हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं एक यूनिक सी सब्जी, सिंबल डोडा। ये कुछ इस तरह का होता है और ये आजकल खूब मार्केट में मिलता है। इसको कुछ जगह पर सिंबल डोडा बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको सेमल बोलते हैं। बड़ी यूनिक सी सब्जी है ये। इसको आप पूरी पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। इसका बनाने का तरीका कुछ अलग है और खाने में स्वादिष्ट होती है। तो ये मैंने सिंबल लिया है, इसको हम धोकर अच्छे से सुखा लेंगे, यानी कि कपड़े से पोंछ लेंगे। धोकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निचुड़ जाए। तो अब हम इसको काट लेंगे। ये डंठल अलग कर लेंगे, फिर इसके हम चार पीस करेंगे और इसमें से ऐसे निकलता है ये, इसको हम फेंक देंगे। इस सब्जी में ये फूल बहुत निकलता है। ये जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो ये बाहर से खिल जाता है और इसके बाहर तक ये फूल आ जाता है, तो ये तब अच्छा नहीं बनता है। ये तब बंद हो तभी इसको बनाना चाहिए। ऐसे करके इसके ये सारे फूल अंदर का निकाल दीजिए। इसमें से फूल बहुत निकलता है, ये कम ही बचता है। और दूसरी सब्जियों के तो हम छिलके फेंक देते हैं, इसका हम छिलका ही यूज करते हैं। ऐसे करके सारे आप काट लीजिए। तो सिंबल हमारे कट चुके हैं। जो बड़े थे उनको मैंने चार पीस कर लिए हैं, जो छोटे थे उनको मैंने आधा आधा काटा है, उनके दो पीस किए हैं। गुठली या फूल इनके मैंने सारे निकाल दिए हैं। अरे भाई, इस सब्जी के हमें छिलके खाने हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में हम इस सब्जी को डाल देंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे, हमें पानी ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। और इसमें हम दो चम्मच दही डालेंगे। दही अगर आपके पास थिक दही है तो आप उसको थोड़ा सा पानी डालकर मथ लीजिए, या फिर उसका मट्ठा सा बना लीजिए। आपके पास छाछ है तो आप दो से तीन बड़े चम्मच छाछ डाल दीजिए। 1/4 टी नमक और थोड़ी सी हल्दी। हम इसमें एक सीटी लगाएंगे, एक सीटी से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगानी है। इतने हमारा सेमल उबलता है, इतने में ही हम दो बड़े प्याज बारीक बारीक काट लेंगे, चार से पांच टमाटर को बारीक बारीक काट लेंगे, थोड़ा सा अदरक काट लेंगे, हरी मिर्च को काट लेंगे। सेमल हमारे उबल गए होंगे। ये उबल गए हैं, बस इनको हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, बिल्कुल नहीं गलाना है। इसमें भी भिंडी की तरह एक चिकना पदार्थ निकलता है। जब हम भिंडी बनाते हैं तो हमारी भिंडी लस्से लस्सी सी हो जाती हैं। उसको रोकने के लिए इनको उबालते समय आप थोड़ा सा दही का इस्तेमाल जरूर करें, तो इससे इसमें से गोंद जैसा पदार्थ नहीं निकलेगा और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगी और अंदर तक ये खट्टे हो जाएंगे। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, दो से तीन बड़े चम्मच। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मोटी सौंफ, एक तेज पत्ता, दो साबुत लाल मिर्च। मसालों को ब्राउन होने दें। प्याज, अदरक और हरी मिर्च हम इन तीनों को एक साथ डाल देंगे और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारा भुन गया है, हमने इसको ब्राउन नहीं किया है। अब हम इसमें कटा टमाटर डाल देंगे। याद रहे आप इस टमाटर को पीसे नहीं। टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम ढक देंगे दो मिनट। गैस को सिम कर दें। ये सौंफ और धनिया है,
पिसा हुआ, तो हम इसको 2 चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि नमक हमने सिंबल डोडे में उबालते टाइम भी डाला था। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, अच्छे से मिक्स करें और इसको तेल छोड़ने तक भूनें। 2 मिनट के लिए इसको आप ढक दीजिए। टमाटर हमारा पक गया होगा, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये सिंबल डोडे डाल देंगे पानी सहित। अच्छे से मिक्स करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके आप इसको ढक दीजिए और इस सब्जी को गलने तक पकाइए। सिंबल डोडे हमारे तैयार हो गए होंगे। पानी सूख गया है। अब हम इसमें फाइनल टच देने के लिए 1/2 चम्मच सूखा पुदीना डालेंगे। हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे। एक दो बार इसको चलाएंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम सिंबल डोडे की सब्जी को सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थोड़ा सा धनिया छिड़क दीजिए। आप इस सब्जी को पूरी पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। आप इस सब्जी को 2 से 3 दिन बनाकर भी रख सकती हैं, ये खराब नहीं होगी, क्योंकि इसमें तेल मसाले थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं। आप इस सब्जी को मेहमानों के सामने बनाइए तो आपसे वे रेसिपी जरूर पूछेंगे। आप सिंबल डोडे को अगर इस तरह से बनाएंगी तो बच्चे भी चटकारे लेकर खाएंगे।